साथियों नमस्कार, फिर से उग्रसेन 7700 यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम जा रहे हैं, अभी मैं आपको बता देता हूं कि अभी हम फिलहाल है जो उदयपुर के अंदर हैं। और उदयपुर के अंदर हम आपको आज, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं सोमवार है और सावण का सोमवार है, कहीं ना कहीं सही है कि नहीं है। यस, और सावण के सोमवार के दिन क्या होता है कि शिव जी की बहुत ही खतरनाक तरीके से क्या होती है, सर, पूजा होती है। तो आज हम आपको गुप्तेश्वर मंदिर दिखाने के लिए जा रहे हैं, जो उदयपुर के अंदर बहुत पहाड़ियों में बसा हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त। शायद आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा मंदिर देखा ही नहीं होगा, क्या राहुल जी, सही बात है मेरी? एकदम राइट सर। और हमने भी उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना था और देखा था, तो आज हम आपको लाइव दिखाएंगे वहाँ पर जा कर के कि आखिरकार वहाँ ऐसा क्या था कि लोग वहाँ जाने के लिए तरसते हैं। और अभी हम कहाँ हैं, उदयपुर की लेक सिटी, बारिश का मौसम ये, लेकिन क्या पता वहाँ पहुँचने से पहले बारिश आएगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद तो श्योर यह आएगी। बाकी बने रहे हमारे साथ, देख कर कोई ऑप्शन नहीं, और फोटो खींचे हो तो देख कर, तो सर और फोटो खींचे, देख खींचे, बंद कर दे। इसी रास्ते से अभी जा रहे हैं गुप्तेश्वर, ये रास्ता है गुप्तेश्वर जाने का, पैदल शॉर्टकट जाने के लिए। ये देखिए उदयपुर है, हरा भरा है काफी, हरा भरा, क्या हरियाली है उदयपुर के अंदर, जबरदस्त सिटी। और पहाड़ी आपको दिखाई दे रही, बहुत ही जबरदस्त। देखो छोटे छोटे बच्चे मजे ले रहे हैं, देखो क्या हुआ। हाँ आपका आ रहा है, नो टेंशन रहो आप। ये देखो बच्चे मजे कर रहे, अब आप सभी इधर आ गए तो बताएंगे कैसे, आपको बताओ। बिल्कुल, अब ये है देखो उदयपुर सिटी के बच्चे मजे ले रहे हैं बारिश के, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं गुप्तेश्वर की, और रास्ते में बच्चे मिल गए कि सर हमारा भी फोटो आना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को लेकर क्या होते हैं, बड़े खुश होते हैं। ये उदयपुर सिटी से होके जा रहे हैं, और अपन को क्या होता है कि शुरुआत में उदयपुर आने के बाद सवीना एक छोटा सा जगह है, वहाँ सवीना जगह जाना होता है, और सवीना के बाद अपन को आना होता है, सवीना से जस्ट आगे 1.5 किलोमीटर तीतड़ी चौराया, और वहाँ से फिर डायरेक्ट ये रास्ता जाता है इधर पूर्व की ओर, और ये रास्ता जाता है वो पूरा गुप्तेश्वर ही जाता है। गुप्तेश्वर धाम है शिव जी की, बहुत ही बड़ी और पहाड़ी में बसा हुआ मंदिर है। शायद अभी मैं आपको बताऊंगा तो बाजार में मेरी थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं आ पाएगी, क्योंकि साथियों मैंने हाल ही फिलहाल शुरुआत की है, तो और मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ। ठाकुर दाता चुराया, ये देखिए ईंटें कैसे पकाई जाती है, झोंपड़ी की तरह ना, कितना आकार दिया हुआ है। एक बात है, आकार में डिजाइन नहीं देना, आज जवाब आएगा, यही तो बात है ना। हम वहाँ पैदल ही जा रहे हैं, तो इसलिए रास्ते में आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि पैदल, बारिश का मौसम, बढ़िया मौसम है तो पैदल जाने में मज़ा आता है। और छोटी छोटी गलियों से होके जा रहे हैं शॉर्टकट। थैंक यू। और पहाड़ी पे बसा हुआ है
हम अभी आप पहाड़ियाँ हमें दिखाई देने लग गई हैं, तो आगे जाकर के मैं आपको पहाड़ी दिखाऊंगा। बाकी मौसम आप देख सकते हो उदयपुर का, अभी बारिश तो यहाँ 24 घंटे बरसती रहती है, ऐसा मान लो आप। यहाँ पर भी लोग खेती करते हैं गेहूँ की और मक्के की। मक्के की खेती यहाँ बहुत अच्छी हो जाती है, गन्ने भी, हर एक चीज़, मतलब क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है और इसलिए ये सब आसानी से हो जाती है। अमल गांधी मिठो जल्दी कह पा कोई चड्डी है। अभी हम आ गए हैं गुप्तेश्वर के करीब, ये दिखाई दे रहा है लेकिन इतना करीब नहीं है, लेकिन व्यूज बहुत अच्छा आ रहा है इसलिए मैंने कहा बता देते हैं आप सभी को। बहुत ही जबरदस्त ये जो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है वीडियो में, ये गुप्तेश्वर का मंदिर है, तो आपको मैं पास में जाकर के दिखाऊंगा इसको कि कैसा है ये। बाकी आप बने रहे, अभी हम पहाड़ी है और पहाड़ी में आपको पता कहीं ना कहीं दूर नज़दीक से दिखाई ऐसे देता जैसे कि नज़दीक ही है, लेकिन रास्ता बहुत लंबा चौड़ा है इसका और हम पैदल जा रहे हैं यार, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कोई बात नहीं। बाकी आप बने रहना हमारे साथ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें दिखाएंगे आपको। राहुल जी थक तो नहीं गए? थके तो नहीं? हाँ थकते हैं कभी। युवा युवा सही है कि नहीं? युवा थकते नहीं। इंडिया की यंग जनरेशन बहुत आगे। आप हेलो चलो गणतो कौन ने रही पैदल नहीं नहीं रख रहा कौन है जाया अपना ये है प्रवेश द्वार अंदर जाने का। और माऊ बापू ठीक है?
10 तारीख क्यों जल्दी टाइम मन था हाय हाय छोरा काम करी देना तो और नहीं काम करी देना तो ये 12 महीना हो गए जन के को हाँ तो प्रोडक्ट बेस पर ही तो कौन प्रोडक्ट बेस पर वे तो भी मैं तो ना गाती भी मैट खाई कमा बद मैं तो मनी मंगानी पड़े भीम के एम तो हाथ प्रकार कमाओ एम बस लेवल के अलग मिले बोनस अलग आवे बीच को कमीशन अलग मिले एमआरपी रेट में अलग आवे